माँ के बिहारी लाल की जय, बोले राजा रानी की जय, बोल मुरली वाले की जय, बोल माँ के बिहारी लाल की जय। वृंदावन की गली में हम भी आया स्पेशल कुर्ता पजामा लेने, जो हमारे भौजी भी ले रहे हैं हम भी ले लेते हैं। आप बताओ गाइस, देखो कितना प्यारा, और ये फेमस दुकान है, सिंगल दुकान है इस रोड पे, कुर्ता पजामा वृंदावन की गली में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एचके ब्लॉग्स। तो गाइस नागपुर कलेक्शन में आते हैं एचके ब्लॉग्स, और आज हम आए हैं वृंदावन की सबसे फेमस कुर्ता पजामा की दुकान में, जो गाइस वृंदावन बांके बिहारी के गली में सिर्फ एक ही दुकान है, जहाँ से हमने भी अभी कुर्ता पजामा परचेज करे हैं। तो ये है भाई साहब जी, नमस्कार जी, राधे राधे। राधे राधे भाई साहब, क्या नाम है आपका? अनमोल। अनमोल जी, तो भाई साहब थोड़ा कुछ बताइए वृंदावन की गली के बारे में, अपनी दुकान के बारे में भी, और थोड़ी बांके बिहारी के बारे में भी थोड़ा बहुत समझाइए हमारे। आप आज इस दुकान पे आए हैं, ये हमारा सौभाग्य है, हम लोग आपकी सेवा कर रहे हैं 25 साल से इसी लाइन में हैं हम लोग। ये कुर्ते पजामा की सबसे पुरानी दुकान है, सबसे पुरानी दुकान है, वृंदावन की सबसे पुरानी दुकान है ये। क्या नाम है भैया दुकान का? वृंदा नोवल्टी। क्या बात, कुर्ता पजामा का राजा। अरे वाह गाइस, ये कुर्ता पजामे के राजे की दुकान है गाइस, क्योंकि मतलब एक से एक कुर्ता पजामे दिखे। एक बार घुमा लो कैमरे को, थोड़ा सा दिखा, कैमरा मैन से चाहूंगा, बिल्कुल कैमरा मैन से चाहूंगा, कैमरे को थोड़ा घुमा के दिखाएं। तो पूरी दुकान ये है इनकी, पूरी दुकान कुर्ता पजामे है। क्या बात है, ये बात करिए, और ये हमारे श्री श्याम रंगीला संगम के प्रधान भी आ गए हैं इसमें। अच्छा, एक बात और कहना चाहूंगा जो किसी ने नहीं कही, ये अनमोल जी के अलावा इस दुकान पर अभी एक बुजुर्ग से हमारे हमारे पिताजी बैठे हुए, हाँ वो भी बैठते हैं, सेवा जो करते हैं यहाँ पर। लेकिन ये हमारी दुकान चालू करी थी हमारे ताऊ जी ने। क्या बात, ये एक बार ताऊ जी को भी दिखा देते, उन्होंने चालू करी थी दुकान 25 साल से। कुर्ता पजामा का जो ट्रेंड लेके आए वृंदावन में, यही लेके आए। अच्छा, और एक खास बात और बता दूं, ये अनमोल जी के बारे में, ये भी बांके बिहारी के बहुत अच्छे भक्त हैं। बहुत वो बांके बिहारी जी के यहाँ पे, ये यहीं पे इनका जन्म हुआ है, तो ये तो सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है। ये हमेशा बांके बिहारी के नजदीक रहते हैं, नजदीक रहते हैं हमेशा, और दर्शन करने भी रोज ही जाते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम लोग यहाँ जन्म लिया और यहाँ पे ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हैं। भक्त भी आते होंगे जो आपको चमत्कार के बारे में बताते होंगे, बांके बिहारी जी एक से एक लीलाएं करते हैं, ठाकुर जी की लीला। एक बार मैं मनीष जी का है, मनीष जी बाहर। चलो एक बार मैं चाहूंगा कि सारे मिलकर एक बांके बिहारी के जयकार लगा के इसको ब्लॉक को यहीं बंद करके फिर आगे भक्तों को दिखाएंगे हम कहाँ जा रहे हैं। मनीष जी से चाहूंगा अपनी आवाज पर, मधुर आवाज पर एक बार जब जयकारा लगेंगे, जिसको अनमोल जी आवाज मार देंगे, बोले बांके बिहारी लाल की जय, बोले राजा रानी की जय, बोल मुरली वाले की जय। मनीष जी जय श्री राधे राधे राधे, बोल बांके बिहारी लाल की जय। मेरे से हेलो गाइस निकल ही नहीं रहा यहाँ बांके, हेलो गाइस, बांके मेला तो हमने फाइनल करा है। एक ये कुर्ता जो मैं पहली बार पहन रहा हूँ हाफ में, और बांके बिहारी मंदिर आके मैं तो ले भी पहली बार हूँ, और एक लिया हमने ये कुर्ता, ये देखो ये कितना प्यारा कलर है, एक ये लिया है, तो हमने तीन कुर्ता फाइनल, और हमारे भाई साहब ने लिया एक ये, एक नया माल आया वो, एक ये लिया जी, ये कलर लिया जी, बहुत प्यारा, मतलब बेस्ट है, कहीं मंदिर में पहन के जाओ, कहीं खाटू श्याम के कीर्तन में जाओ, तो ये बेस्ट कलर है। एक हमने ये कलर लिया, और एक आधा और अभी डिसाइड कर रहे हैं भाई साहब, ये बैठे एक ये है भैया, ये हमने पहन लिया, एक ये भी लिया था, ये पहन लिया, पहन लिया, ये दिल्ली से लेते हुए, दिल्ली से पहन लिया। तो गाइस आप लोग कमेंट करके बताओ आपको कौन सा कुर्ता बढ़िया लग रहा है। सर्दियों में भी आप बाजू पहन के आते यार, वो तो छोड़ो, इतने इतने मास्क मास्क बना के भी बिके हैं यूं तो वो तो बात अलग हो गई। इसमें इस रंग में बना ही नहीं, तभी तो मैंने ये दिया आपको, मैच कर रहा हो, मैच कर रहा है थोड़ा बहुत, तो मैच होना आप